हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव। वेलकम टू ईटेक। हमारा टॉपिक है किरचॉफ लॉ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं किरचॉफ लॉ टू इन नंबर आर पर्टिकुलरली यूजफुल। पहला पॉइंट क्या दिया गया है, इन डिटरमाइनिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क ऑफ द कंडक्टर। हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को इससे डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि फॉर कैलकुलेटिंग दी करंट फ्लोइंग इन वेरियस कंडक्टर, और करंट के करंट फ्लोइंग को भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो जो डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर्स में फ्लो हो रही हैं। बेसिकली ये दो तरीके से किरचॉफ लॉ को डिवाइड किया गया है। पहला आपका है किरचॉफ पॉइंट लॉ, जिसको करंट लॉ बोलते हैं, KCL बोला जाता है, किरचॉफ करंट लॉ। इसको समझते हैं, और इसको समझने से पहले हम थोड़ा किरचॉफ सर के बारे में जानते हैं। गॉस्टो रॉबर्ट किरचॉफ इनका नाम था, 1824 टू 1887 तक था इनका लाइफ, और ये एक आउटस्टैंडिंग यानी बहुत अच्छे जर्मन फिजिसिस्ट थे। इनकी स्टेटमेंट क्या है KCL की, KCL में क्या कहा गया, इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट और जंक्शन इज जीरो। इनका कहने का मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी जंक्शन पे मिलने वाली सभी करंट और जाने वाली करंट का अगर हम टोटल कर दें तो वो जीरो हो जाता है। इसको अगर इजीली समझें तो ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू ऑल आउटगोइंग करंट। नीचे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, इस डायग्राम में जैसे ये करंट जो है ये इनकमिंग करंट है, I1 जो है ये इनकमिंग करंट है, I5 जो है आउटगोइंग करंट है, I4 इनकमिंग करंट है, I3 जो है आउटगोइंग है, और I2 आउटगोइंग है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इनकमिंग करंट को देखें तो हमारे पास इनकमिंग करंट क्या है, I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I5 प्लस I3 प्लस I2। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो I1 एंड I4 है ये इनकमिंग करंट है, और I5 प्लस I3 प्लस I2 ये आउटगोइंग करंट है। दूसरे वाले सर्किट में आप देख सकते हैं, इसमें भी जो है I करंट है ये इनकमिंग करंट है, इसके बाद जितनी भी करंट है I1 I2 I3 I4 ये सब आउटगोइंग करंट है। तो I1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। नेक्स्ट इनका रूल जो है वो है आपका क्या, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या फिर किरचॉफ मेस लॉ, इसको बोलते हैं KVL। तो किरचॉफ जो वोल्टेज लॉ होता है वो मेस लॉ होता है, और जो आपका KCL होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट लॉ। ठीक है, तो इनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टर करंट एंड रेजिस्टेंसेस इन ईच ऑफ द कंडक्टर। प्रोडक्ट क्या है, करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं, किसी भी कंडक्टर में बहने वाली करंट और उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस, इन एनी क्लोज पाथ और मेस इन अ नेटवर्क प्लस द एल्जेब्रिक सम ऑफ द EMF इज दैट पाथ इज जीरो। अगर हम लोग एल्जेब्रिक सम करते हैं टोटल वोल्टेज ड्रॉप का I R का और प्लस टोटल वोल्टेज सोर्सेस का, और दोनों का एल्जेब्रिक सम कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू हमें लास्ट में क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। नीचे के आप सर्किट डायग्राम में देखें, यहाँ पर आपके ये नोड दिया गया है, ये आपके दो नोड दिए गए हैं, एक नोड यहाँ नीचे दिया गया है, ये आपकी ब्रांच नोट की गई है, और ये आपका लूप है। ठीक है, तो अगर इसमें एनालिसिस करें तो एनालिसिस में आप पहले हम लोग KCL का एनालिसिस करते हैं। तो पर्टिकुलर नोड पे जो है इनकमिंग करंट I1 आ रही है, इसके बाद एक और इनकमिंग करंट है I2 आ रही है, और एक और इनकमिंग करंट है ये I3 आ रही है। ठीक है, देन I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू जीरो। सम ऑफ द आउटगोइंग आउट करंट, अगर इन करंट की बात करें तो आउटगोइंग करंट की कैसे बात करेंगे, -I1 -I2 -I3 इज इक्वल टू जीरो। इसको बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। नेक्स्ट हम लोग तीसरे वाले डायग्राम में देखते हैं, ये पहले वाले डायग्राम का ही पार्ट है, ये एक लूप ले लेते हैं। इस लूप में क्या है आपका, V7 V6 V5 V8 है, ये सारे वोल्टेज ड्रॉप दिए गए हैं, इनका टोटल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सम ऑफ वोल्टेज इन काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन अगर हम लोग लेते हैं तो क्या आ जाएगा, V5 प्लस V6 प्लस V7 प्लस V8 इज इक्वल टू जीरो। अगर हम लोग क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, -V5 -V8 -V7 -V6 इज इक्वल टू जीरो। तो हम लोग ने पिछले वाले डायग्राम में रिलेटिव पोटेंशियल में हम लोग ने देखा था पिछले लेक्चर्स में कि किस तरीके से हम लोग सिंबल्स के थ्रू हम लोग वोल्टेज को ऐड और माइनस करते हैं। तो आप उसको अगर आपको ना पता हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो